तो बच्चों जो आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, यानी कि आपने इंटर में जो है एडमिशन के लिए ऑनलाइन कराया था और आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है जब जाते हैं आप स्कूल में एडमिशन वगैरह लेने, तो वहाँ पे फॉर्म अप देता है आपको फिलअप करने के लिए कि जब तक कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद और भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसके आपको अटैच करना पड़ता है इस फॉर्म के साथ, तो वो उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और जैसे ही आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, जिस भी स्कूल में आपको भेजा है वहाँ पर जाइएगा, तो इस तरीके का आपको देखिए एडमिशन फॉर्म जो आपको भरने के लिए देगा, ठीक है। 11th वाले बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक एक स्टेप बाय। भाई आप कैसे, आपको कोई भी स्कूल में आप जाते हैं, मान लीजिए कोई भी स्कूल है आपका, तो उसमें आपको भरने के लिए देगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको कैसे भरना हर एक चीज़ में आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। देखिए ये हमारा जो है राजकीय सुंदरी व्यवहार रामावता उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रजापुर सीतामढ़ी है, ठीक है। आपको दूसरा कोई स्कूल होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं वाली। और मैं आपको बता दूं, साइंस आर्ट्स सभी कॉमर्स वाले के लिए यही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ संकाय यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्स, ठीक है, लेकिन आप दूसरे में जाइएगा तो आप जैसे साइंस वाला भी मेरे पास है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। संकाय में ही सिर्फ साइंस लिखा था वहाँ, ठीक है, यहाँ पे आर्ट्स लिखा हुआ, लेकिन जो मेरे पास साइंस वाला आया पेपर फॉर्म उस पर आर्ट्स लिखा नहीं हुआ, आपको खुद से साइंस लिखना पड़ेगा, यानी आप जो भी सब्जेक्ट कब चूज़ कर रहे हो, ठीक है। आर्ट्स वाला लिखे हुआ छपा हुआ, लेकिन आपके यहाँ पे छपा नहीं होगा तो आप साइंस लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब के लिए सेम टू सेम रहता फॉर्म, ठीक। तो इस तरीके से चलिए हम एक चीज़ को समझते पहले। देखिए जब आपको फॉर्म मिलेगा तो सबसे पहले क्या भरना आपको, चाहे आप साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले हो, यहाँ पे सत्र है, ठीक है। यानी जब आप एडमिशन ले रहे हो तो कम से कम 2 साल का आपका इंटर का होता है, ठीक है। तो जैसे अभी एडमिशन लीजिएगा 2022 में, तो 2022 से आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा सेशन आपका, ठीक है, क्योंकि 2 साल 2022 से 2024 आपका सेशन हो जाएगा, याद रखिएगा। मान लीजिए कोई बच्चा अभी ले रहा है, अभी जैसे देखिए जब भी एडमिशन लेते हैं तो इसी तरीके से होता है, याद रखिएगा, 2 साल में इंटर होता है, याद रखिएगा। तो इस तरीके भरिएगा और यहाँ पर एक फोटो चिपका लीजिएगा, ठीक है, एक फोटो यहाँ पर चिपका लीजिएगा। यहाँ पर जब एडमिशन लीजिएगा यहाँ पर तारीख जरूर लिखिएगा, ठीक है, ओके। और आपको 5 फोटो लेके जाना है, याद रखिएगा, 5 फोटो आपको लेके जाना है इसके बाद चिपकाने के बाद, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिए हुआ फर्स्ट नंबर में देख लीजिए प्रार्थी का नाम, प्रार्थी मतलब यानी स्टूडेंट का नाम, ठीक है, विद्यार्थी का नाम, ठीक है, जो भी विद्यार्थी का नाम होगा इसे फिलअप कर लीजिएगा। साइंस और आर्ट्स कॉमर्स वाले या सभी के लिए ये, ठीक है। उसके बाद विवाहित या अविवाहित, आप शादीशुदा है या नहीं, अगर आप शादीशुदा रहिएगा तो विवाहित यहाँ पर लिख दीजिएगा, अगर नहीं शादीशुदा रहिएगा तो अविवाहित लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इस कॉलम में, ठीक है। उसके बाद धर्म और जाति, तो यहाँ पे आप धर्म लिख सकते हैं या जाति, दोनों में से एक लिख सकते हैं, ठीक है। अगर धर्म है जैसे हिंदू तो हिंदू लिख लीजिए, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम, या जाति में अगर आप आते हैं ब्राह्मण तो ब्राह्मण लिख दीजिए, या सिख है तो आप सिख लीजिए, मुस्लिम अगर हमें, तो इस दोनों में से एक को लिख लीजिएगा धर्म से, ठीक है, याद रखिएगा। अगर जन्मतिथि, आपका जो भी जन्मतिथि यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 का नंबर 1 नंबर कॉलम है, ठीक है। पिता का नाम, आपका जो पिता का नाम होगा वो पेशा मजदूरी करते हैं या किसान लिख लीजिएगा, अगर मजदूरी करते हैं मजदूरी, पेशा किसान है तो किसान, याद रखिएगा, किसान। माता का नाम, आपके जो माता का नाम है वो लिख दीजिएगा, पूरा पता यानी कि आपका जो गांव वगैरह है, यहाँ पे गांव होगा तो ग्राम गांव लिख दीजिएगा, बरियापुर लिख दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका गांव है वो लिख दीजिएगा, पता पोस्ट है, थाना है, जिला है, ठीक है, वहीं पूरा पता। जैसे मैं अगर बच्चे का भरूँ तो जैसे गाँव हो जाएगा प्लस पोस्ट हो जाएगा बरियापुर, लिख दूंगा इस टाइप से, पोस्ट यहाँ पर लिख दूंगा, या सीधे ग्राम लिख दूंगा बरियापुर और यहाँ पर भर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो पूरा पता लिख दीजिएगा, उसके बाद दूसरा स्टेप देख लीजिए 2 का, अभिभावक का नाम, यानी अभिभावक मतलब गार्जियन का नाम, ठीक है, यानी अपने माँ या पिता का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपका माँ का लिखना चाहते हैं तो माँ का लिख दीजिए, पिता का लिखना चाह रहे हैं तो पिता का लिख दीजिए, ठीक है। पेशा, उनका पेशा बोला किसान है, किसानगिरी करते हैं या मजदूरी करते हैं, ठीक है। अगर माँ का लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, पेशा उनका तो घर में काम करते हैं, गृहिणी लिख दीजिएगा, ठीक। ग्राम, जो आपका गाँव है, पोस्ट, थाना, जिला, याद रखिएगा। प्रार्थी के संबंध, यानी स्टूडेंट का संबंध क्या है, जो अभिभावक है, माता या पिता, आप अगर माता का नाम लिखे यहाँ पे तो यहाँ पे माता का लीजिएगा संबंध में, और पिता का वहाँ पे नाम लिखिएगा तो पिता का, ठीक। उसका अस्थाई पता देख लीजिए, आपका स्थाई पता पूछा कहाँ के आप रहने वाले हैं, तो आप जहाँ के रहने वाले होइएगा वो यहाँ पे लिखिएगा, समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आप दूसरे जगह से हैं और दूसरे स्कूल में नाम एडमिशन लगा रहे हैं ना, तो वहाँ पे तो वो पता आपको तो लिखना ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्थाई पता जहाँ पे आप हमेशा से रहते हैं तो वो लिख दीजिएगा। पत्रालय मतलब होता है पोस्ट, याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पत्रालय मतलब पोस्ट ऑफिस, याद रखिए, ओके। थाना लिखिए, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल जो आपको नेसेसरी वहीं पे आपको मैसेज मिलेगा। बैंक का नाम देखिए, बैंक का नाम आपको लिखना, जो भी बैंक में आपका जो भी आप बैंक का नाम देना चाहते हैं, बैंक का नाम लिखिए, स्टेट होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया होगा तो बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद खाता नंबर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खाता नंबर लिख दीजिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद शाखा,
जहाँ का शाखा मतलब हुआ जिस भी बैंक, जैसे कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में खुला हुआ है, ठीक है, तो वो बैंक का तो मालूम होगा, लेकिन वो शाखा कहाँ है, कहाँ खुला हुआ है वो बैंक याद रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं खुलवा रहा हूँ बरियारपुर, ठीक है, बरियारपुर का बैंक में खुलवा रहा हूँ, तो वहाँ पे शाखा लिखा है भाई बरियारपुर का बैंक है या कहाँ का, तो शाखा जहाँ आप लिखवाइएगा ना, जहाँ खुलवाइएगा अकाउंट नंबर, तो वहीं का शाखा रहेगा, ठीक है, जगह का नाम, IFSC कोड, उस बैंक का IFSC कोड, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कॉलेज छात्रावास में रहना चाहते हैं या अन्य स्थायी निवास में, अगर आप छात्रावास में रहना चाहते हैं तो छात्रावास कर दीजिएगा या अन्य स्थायी निवास में, तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो आप लिखिएगा अन्य स्थायी निवास में, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद छठा नंबर देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ या इस तरीके समझ लीजिए, छठा नंबर कॉलम देखिए, माता पिता के साथ रहते हैं या अन्य भावों के साथ, अगर माता पिता के साथ रहते तो लिख दीजिएगा माता या पिता, तो माता का साथ रहते माता पिता लिख दीजिएगा उस तरीके से साथ में, और अन्य अभिभावक भाई के साथ रहते उस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उत्तीर्ण परीक्षा में, उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्ण विवरण, आपने जो जो भी साल आपने पास किया है मैट्रिक, ठीक है, तो वो पूछ रहा, ठीक है, तो परीक्षा का नाम जिस भी बोर्ड से दिया है, अगर आप बिहार बोर्ड से दिया है आप लीजिएगा बिहार बोर्ड पटना, ठीक है, बिहार बोर्ड पटना लिख दीजिएगा, ठीक है, या BSAB पटना में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसमें क्रमांक, ठीक है, आपका क्रमांक कितना था, क्रमांक मतलब रोल नंबर, ठीक है, आपका जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, वर्ष आपने किस वर्ष पास किया था, 2022, 23, 24 जो भी होगा, तो 2022 वाला बच्चे हैं 2022 में लिखिएगा, 2000 अगर 19-20 वाले हैं तो वहाँ पे जो भी साल में पास कीजिएगा यहाँ पे लीजिएगा, ठीक है। वार्षिक या पूरक, वार्षिक मतलब होता है यहाँ पे देख लीजिए जो फेल नहीं होते, एक ही साल में पास हो जाते हैं, दो ही साल में, ठीक है, जो मैट्रिक में देते पास और रेगुलर में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में वो पास हो जाते हैं। अब पूरक मतलब वो हुआ कि जैसे वो फर्स्ट टाइम नहीं पास हुआ तो वो कंपार्टमेंटल के एग्जाम से पास हुआ तो वो पूरक लिखेंगे, ठीक है, वार्षिक वाला तो वार्षिक लिखिएगा, ठीक है। प्राप्तांक, आपको जो जब भी आपने पास किया था तो उसमें कितना नंबर आया था, यानी मैट्रिक वाले में आपको कितना नंबर आया था, ठीक है, श्रेणी प्रथम यानी फर्स्ट आया या सेकंड आया या थर्ड आया वो लिखिएगा, श्रेणी जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय यहाँ पे जो भी आपका आया वो लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए ब वाला हमने नहीं दिखा था आपको, ब वाला में देख लीजिए परीक्षा केंद्र, यानी आप जब मैट्रिक का एग्जाम दिए तो आपका परीक्षा केंद्र किस स्कूल में है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पे होगा, याद रखिएगा। उसके बाद है देख लीजिए ऐसा विद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहाँ पहले अध्ययन करते थे, जहाँ से भी आपने मैट्रिक किया है, ठीक है, जिस स्कूल से आपने पढ़ रहे थे वहाँ पे इस स्कूल का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, शॉर्टकट में। उसके बाद आठ है अध्ययन कार्य के अतिरिक्त यदि किसी कार्यक्रम में अभी रुचि हो तो उसका उल्लेख करें, तो इसको छोड़ दीजिएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए पाठ विषय यानी इंटर में जो है इंटरमीडिएट में जो भी विषय को आप लेना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको लिखना है, तो सोच समझ के ही यहाँ पे आप लिखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं वही आपके इंटर में आएगा, और इंटर में जो आप पढ़िएगा इंटर में जो बेस्ट आप चाहिएगा ग्रेजुएशन करना जिस भी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट से, तो उस सब्जेक्ट को जरूर इसमें लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला अनिवार्य विषय और भाषा एवं साहित्य, ये दोनों में आपको अनिवार्य है, ठीक है, दो सब्जेक्ट कर लीजिएगा। मैं बता दूं आपको जैसे अनिवार्य विषय है, अगर आप यहाँ पे हिंदी ले रहे हैं हिंदी लीजिएगा पहला में अनिवार्य में, तो आपको अगर दूसरा में है तो जैसे हिंदी लीजिएगा तब दूसरा में, अगर जैसे हिंदू बच्चे तो यहाँ पे भाषा एवं साहित्य में संस्कृत भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत भी ले सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। या मुस्लिम बच्चे हैं अगर वो लेना चाहते हैं उर्दू, तो यहाँ पे उर्दू ले लीजिएगा, ठीक है, आप बच गया दो उर्दू लीजिएगा तो आपको बच गया अनिवार्य में कौन सा बच गया, इंग्लिश बच गया और हिंदी बच गया, तो इंग्लिश हिंदी में से आपको नीचे एक में सेलेक्ट करना, ठीक है, समझ गए आप लोगों की बात। अगर आप यहाँ पे हिंदी लेते जैसे ये बच्चे हो गए हिंदू बच्चे हो गए, अगर लेना चाहते हैं हिंदी ऊपर, अगर वो इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, संस्कृत, अगर वो लेना चाहते हैं इंग्लिश तो यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। अनिवार्य में अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आपका अनिवार्य है कि भाई आप जो भी बच्चे हैं मुस्लिम हैं तो आप उर्दू भी ले सकते हैं हिंदी भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। और हिंदू बच्चे हैं तो अगर इंग्लिश लेते हैं तो उसके पास दो ऑप्शन हैं कि वो इंग्लिश भी ले से इंग्लिश लेते हैं तो हिंदी भी ले सकते हैं संस्कृत भी ले सकते हैं, दो तीन में से आपको एक दो आपको अनिवार्य याद रखिएगा। अगर उर्दू लेते हैं तो आपको नीचे हिंदी जरूर या इंग्लिश में से दोनों एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या ऊपर आप मतलब ऊपर लिखिए या नीचे दोनों में से आपको एक जरूर लिखना, याद रखिएगा, समझ गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, तीसरा नंबर मतलब चीज यहाँ पे ऐच्छिक विषय, इसमें से दो सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू में से कोई और या संस्कृत में से, ठीक है, दो सब्जेक्ट हो गए अनिवार्य है जो भी लेना चाहते हैं आप। और तीसरा कॉलम है इसमें ऐच्छिक विषय, यानी तीन सब्जेक्ट का आपको लेना है, यानी 500 टोटल का होता है तो 500 में से 200 आपने ऊपर ले लिया, ठीक है, इसमें से आपको तीन सब्जेक्ट का और है जिसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना हिस्ट्री, हिस्ट्री यहाँ पे ले लीजिएगा पहला, दूसरा लिखना है पॉलिटिकल, अगर तीसरा जो आपको माने जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी भी लिख सकते हैं, तो इस
तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं वहाँ पे ले लीजिएगा। अब याद रखिएगा जो सब्जेक्ट लीजिएगा उसमें जो आप उस सब्जेक्ट से अगर ऑनर्स वगैरह करना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि आगे जाइएगा तो जो आपके इंटर में होगा ना, जिस भी सब्जेक्ट से आप पास होइएगा तो उसी हिसाब में जो भी सब्जेक्ट से आप करना चाहिएगा ऑनर्स, तो ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट से कीजिएगा जो आप इंटर में ले रहिएगा, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं। चलिए अगला है, यहाँ पे समझ गया, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यही वाला नवा नंबर कॉलम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गया। उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दसवां है आवश्यक अनुगुलक, यानी कि जो पेपर वगैरह जो है तो मैं बता दूँ सब स्कूल का अलग अलग रहता है, तो विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र वही हुआ, ठीक है, महाविद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हुआ, मूल अंक पत्र यानी कि आपका मार्कशीट हो गया, प्रवेश पत्र हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र अगर आप छूट वगैरह चाहते हैं तो, ठीक है। इस तरीके से कागजात मैंने पहले बता दिया, कागजात में आपको 5 फोटो लगेगा, ठीक है, रखिएगा। अगर आप छूट पाना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लेगा, आपका जो इन्यूमेशन लेटर है यानी कि आपका किस स्कूल में एडमिशन सेलेक्ट हुआ वो वाला पेपर ले लीजिएगा, एक टू एक जो आपको प्रिंट करके दिया होगा फर्स्ट टाइम आपने एडमिशन कराया होगा वो वाला, ठीक है, सीएफ वाला, ठीक है, वो हो गया आपका, ठीक है। और टीसी ले लीजिएगा, याद रखिएगा जो भी स्कूल से आप होइएगा टीसी ले लीजिएगा। उसके बाद आपका प्रवेश पत्र है यानी कि पंजीयन जो मिला होगा तो पंजीयन भी ले लीजिएगा, हो सकता है वहाँ पे आपके स्कूल में मांग कर ले, ठीक है, या आप पंजीयन के बाद हो गया आपका ये आधार कार्ड भी बहुत डिमांड नहीं कर रहा लेकिन लेके जाइएगा कहीं मांग ले, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा और वहाँ पे सारा चीज़ फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, याद रखिए, ओके। तो इस तरीके से आप अपने अपने स्कूल का देख लीजिएगा और ये वाला जो कॉलम है इसको कार्यालय के परे हो इसको फॉर्म को फिलअप नहीं करना है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, और देखिएगा अनिवार्य सब्जेक्ट को आप एक अच्छे से फिलअप कीजिएगा फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि यही आपको है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, जो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा वही आपके इंटर में रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म को फिलअप किया जाता है, याद रखिए, ओके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग हमारे चैनल से बने रहें, ठीक है, तो जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।